टुडे वी आर डूइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर वन द फन दे हैड। क्वेश्चन नंबर वन इज टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। यह कहानी द फन दे हैड, यह कहानी रीडर्स को कौन सी दुनिया में ले जाती है? फ्यूचर वर्ल्ड, पास्ट वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड। फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल। जहाँ पर एक ऐसी दुनिया में ले जाती है भविष्य काल में, फ्यूचर वर्ल्ड में, जहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी टीचर्स की बजाय। क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या है? ए हेवनली वर्ल्ड, बी इमेजिनरी वर्ल्ड, सी रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक रियलिटी होती है दैट इज़ क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट की जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? ए क्लास आउटसाइड क्लासरूम, बी क्लास इन द गार्डन, सी क्लास इन द फील्ड, डी वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जहाँ पर सीखने की जो क्रिया है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, उसे हम वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज अ डिबेट। एक डिबेट क्या है? डिबेट क्या होता है, जिसे हम अपनी भाषा में वाद विवाद भी बोलते हैं। ए अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। एक कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता, एबिलिटी शो करने के लिए आर्ग्यूमेंट में दो पीपल, दो लोगों के बीच। बी कॉन्टेस्ट टू फाइट, लड़ाई की प्रतियोगिता। सी कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर, बेटर प्रूव करने का कॉन्टेस्ट, डी नन। डिबेट क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल। एबिलिटी बताना, शो करना दो लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट करने की एबिलिटी, इसकी प्रतियोगिता होती है, उसे हम कहते हैं डिबेट। क्वेश्चन नंबर फाइव इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? द फन दे हैड स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मागी, टॉमी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मार्गी। मार्गी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितनी उम्र की है? 10 years old, 11 years old, 12 years old, 13 years old। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 years old। मार्गी इज 11 years old। क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ईयर हैज़ अ स्टोरी बीन सेट इन। यह कहानी किस सन में, किस ईयर में सेट की गई है? 2057, 1957, 2157, 2257। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2157। इस ईयर की जो बातें हैं वो हमारी स्टोरी में हमें बताई जा रही हैं कि जब 2157 आ जाएगा तब बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, टीचर्स से ज़्यादा कंप्यूटर्स की भूमिका जो है वो रहेगी। क्वेश्चन नंबर एट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के राइटर, ऑथर, लेखक कौन हैं? ए चार्ल्स डिकिंस, बी इज़ाक असिमोव, सी मिल्टन, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ इज़ाक असिमोव। करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज़ हु आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कौन हैं? कजन्स, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, नेबर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नेबर्स, दे आर नेबर्स, वो पड़ोसी हैं। क्वेश्चन नंबर टेन इज़ हाउ ओल्ड इज़ टॉमी। टॉमी कितनी उम्र का है? 10 years old, 13 years old, 15 years old, 12 years old। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 13 years old, 13 सालों का है वो। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला, क्या मतलब उसके हाथ लग गया, क्या उसको किस चीज़ को, जो भी अपन कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं तो कोई चीज़ हमें मिल जाती है, तो टॉमी को क्या मिला था?
An old book with yellow crinkly pages, a yellow pages book, a brand new book, a diary. Correct answer is option A. An old book with yellow crinkly pages. एक पुरानी पुस्तक मिली थी जिसके पेजेस जो हैं वो येलो से हो गए थे और कट फट रहे थे. क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक. टॉमी को वह बुक कहाँ मिली थी. ए इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, बी इन अ लाइब्रेरी, सी इन हिज हाउस, डी ऑन द रोड साइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन हिज हाउस. उसके खुद के घर में उसको वो बुक मिली थी. क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी. मार्गी के लिए उस बुक में स्ट्रेंज क्या था, अजीब सा क्या था. ए इट्स टाइटल, बी इट्स पेजेस, सी इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, डी इट्स कलर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेजेस. मार्गी के लिए यह बात बहुत अजीब थी कि इसके जो वर्ड्स हैं इस बुक में जो छपे हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं पेजेस पे, वो अभी भी स्टिल हैं, मतलब वो हिल भी नहीं रहे हैं और जैसे कई सालों पहले छपे थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं. तो ये चीज़ मार्गी के लिए बहुत ही स्ट्रेंज थी. क्वेश्चन नंबर 14 इज हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा. आधुनिक युग में कौन पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. अ टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, अ मैकेनिक रोबोट, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ मैकेनिकल रोबोट टीचर. क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज अ टेलीबुक. एक टेलीबुक क्या होती है. ए एन ई बुक, बी एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, सी बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, डी ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल. ई बुक भी बोल सकते हैं हम उसे, इलेक्ट्रॉनिक बुक भी बोल सकते हैं, और बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर की जा सकती है ई बुक, जिसे हम टेलीबुक कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज वेयर वॉज मार्गी स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ था. इन अ विलेज, इन अ सिटी आउटस्कर्ट, इन हर ओन हाउस, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप. उसके खुद के घर के एक कमरे में जहाँ पर कंप्यूटर सेटअप लगाया हुआ था वहीं पर मार्गी का वही जो है रूम जो है वो स्कूल था. क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी एंड टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल. मार्गी एंड टॉमी वर लर्न्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड ज्योग्राफी. क्वेश्चन नंबर 18 इज वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स. टॉमी और मार्गी जो हैं वो बहुत से बुक्स कहाँ पर पढ़ी थी उन्होंने, कहाँ पर पढ़ते थे. ए इन द लाइब्रेरी, बी इन द स्कूल, सी ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पर टॉमी और मार्गी ने बहुत सी बुक्स पढ़ी थी और वहीं पर ही वो पढ़ते थे, कंप्यूटर पर ही, ई बुक्स, टैली बुक्स जो थी. क्वेश्चन नंबर 19 इज हु वेंट टू स्कूल. स्कूल कौन जाते थे. ए मार्गी, बी टॉमी, सी टीचर्स, डी मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स. मार्गी और टॉमी के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, है ना, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा के भी दादा थे, वो लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए. 2157 में जो ये कहानी हमें लेकर जा रही है, उस एज में वो बच्चे जो हैं वो यही कहेंगे कि हमारे दादा के दादा जो थे वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, उनके एंसेस्टर्स. क्वेश्चन नंबर 20 इज हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टोट द लेसन्स. रेगुलर टीचर कौन था जो लेसन्स पढ़ाता था. ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर टीचर, हु टीचेस, या फिर जो पढ़ाता था. एंड डी मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी. एक मैकेनिकल रोबोट टीचर जो मार्गी और टॉमी को पढ़ाता था, उसे ही रेगुलर टीचर के नाम से इस लेसन में बुलाया गया है. क्वेश्चन नंबर 21 इज विद होम इज द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विद.
मैकेनिकल टीचर को किसके साथ कंट्रास्ट किया गया है? विद अदर टीचर्स, विद ओल्ड टीचर्स, विद ह्यूमन टीचर्स, विद अदर रोबोट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विद ह्यूमन टीचर्स। मानव टीचर, ह्यूमन टीचर्स, जो मनुष्य शिक्षक होते हैं, मनुष्य शिक्षक होते हैं, मानव टीचर होते हैं, मैन जो होते हैं टीचर, उनके साथ मैकेनिकल टीचर को कंट्रास्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, व्हाई डिड मागी'ज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मागी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू रिपेयर अ लीकेज, टू टॉक टू मागी, टू टॉक टू टॉमी, टू चेक द फॉल्ट इन मागी'ज टीचर इन द जियोग्राफी सेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू चेक द फॉल्ट इन मागी'ज टीचर इन द जियोग्राफी सेक्शन। मागी का जो टीचर था, रोबोट टीचर जो था, उसके अंदर जियोग्राफी सेक्शन में जो फॉल्ट आ गई थी, जो गड़बड़ हो गई थी, उसे चेक करने के लिए मागी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 23 इज, इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली? मार्गी किस सब्जेक्ट में रिपीटेडली, मतलब बार बार फेल हो रही थी? ए साइंस, बी हिस्ट्री, सी इंग्लिश, डी जियोग्राफी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी में बार बार फेल हो रही थी मागी। क्वेश्चन नंबर 24 इज, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, उसने मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग टीचर को रीसेट कर दिया। बी ही चेंज द मॉड्यूल, उसने मॉड्यूल चेंज कर दिया। सी चेंज द टीचर, या टीचर ही चेंज कर दिया। डी चेंज द सिलेबस, या फिर सिलेबस ही चेंज कर दिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, उसने मार्गी के लेवल के अनुसार उसका जो टीचर था उसे रीसेट कर दिया कंप्यूटर में, है ना। रोबोट टीचर जो था उसे मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग चला दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 इज, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर? किस सब्जेक्ट का सेक्शन जो कि पूरी तरह से डिलीटेड हो गया था फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर, टॉमी के कंप्यूटर से? इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिस्ट्री। टॉमी के कंप्यूटर से हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो पूरी तरह से हट गया था, डिलीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में कितना टाइम, कितना समय लगा था? 15 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 1 मंथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 मंथ, 1 महीना लग गया था टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में। क्वेश्चन नंबर 27 इज, व्हाई डिड मागी हेट स्कूल? मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी? बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग्स, ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल, क्योंकि वहाँ पर मशीन वर्क बहुत था, कोई भी फन मौज मस्ती नहीं थी और कोई भी नई थिंग्स नहीं थी। इन सब चीज़ों की वजह से मार्गी स्कूल से हेट करती थी, खुद के स्कूल से, जो उसका कंप्यूटर स्कूल था ना उससे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? ओल्ड स्कूल्स और मॉडर्न स्कूल्स में क्या डिफरेंस इस चैप्टर में बताया गया है? ए ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड नो फेलोज। बी ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रोबोट्स। सी ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड ओनली कंप्यूटर्स। डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल, क्योंकि ओल्ड स्कूल्स में फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, प्लेग्राउंड्स थे, और नए स्कूल्स में ये सब कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 इज, डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी? क्या मार्गी के पढ़ने के घंटे फिक्स थे? नो। बी शी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। सी यस, शी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यस,
She had fixed time and hours daily to study except Saturday and Sunday. Saturday और Sunday को छोड़कर डेली के उसके आवर्स और टाइम्स जो था वो फिक्स था. क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाई डिड मागी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग. मागी पुराने स्कूलों को है ना, पुराने टाइम के स्कूलों को क्यों इंटरेस्टिंग समझती थी. ए बिकॉज ऑफ द फन, बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, सी बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, डी ऑल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल. इन सब की वजह से, क्योंकि उसमें पुराने स्कूलों के टाइम में मौज मस्ती थी, ह्यूमन टीचर्स थे, मैनी फ्रेंड्स थे, इन सब की वजह से मार्गी ने क्या पाया कि जो ओल्ड स्कूल्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे. क्वेश्चन नंबर 31 इज टॉमी वॉक्ड अवे विद द बुक बीनीथ हिज आर्म. वॉट विल कम हियर. ए टॉन, बी डस्टी, सी इमेजिनरी, डी बोथ बी एंड सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डस्टी. टॉमी वॉक्ड अवे विद द डस्टी बुक बीनीथ हिज आर्म. क्वेश्चन नंबर 32 इज अकॉर्डिंग टू मागी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर. मार्गी के अकॉर्डिंग पुराने टाइम में स्कूल्स थे कैसे थे. ए बिग, बी ब्राउन, सी फनी, डी स्ट्यूपिड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फनी. पुराने समय में जो स्कूल थे बहुत ही फनी थे, बहुत मौज मस्ती करते थे सब उस टाइम. क्वेश्चन नंबर 33 इज हुज फादर न्यू एज मच एज अ टीचर. किसके फादर इतनी जानकारी रखते थे, इतना नॉलेज रखते थे जितना कि एक टीचर रखता है. ए टॉमी, बी मागी, सी ब्लेयर, डी एवलिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टॉमी. टॉमी के फादर बहुत कुछ जानते थे जितना कि एक टीचर जानता है. क्वेश्चन नंबर 34 इज हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर मैंशन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कितने सब्जेक्ट्स मैंशन किए गए हैं. 2, 3, 4, 1. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 सब्जेक्ट्स मैंशन किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 35 इज वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. कोई भी स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा. हु सैड दिस, किसने कही यह बात. ए टॉमी, बी मागी, सी मिसिज जॉन्स, डी ब्लेयर. करेक्ट आंसर इज किसने कही थी, मार्गी ने कही थी है ना, कि ऐसी ये वाली जो चीज़ें हैं ये ऐसे क्यों कोई भी कहेगा, बुक्स के बारे में कोई भी जो है वो क्यों लिखेगा. तो मार्गी सैड दिस कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल्स, कि कोई भी स्कूलों के बारे में क्यों लिखेगा. क्वेश्चन नंबर 36 इज मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे. मार्गी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, क्योंकि वे ए दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, बी दे डिडंट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, सी आस्क्ड मार्गी टू लीव द हाउस, डी आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दे डिडंट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर. क्योंकि वो उसके मैकेनिकल टीचर को नहीं लेकर गए थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि टॉमी का जो रोबोट टीचर है, हिस्ट्री का जो पोर्शन था, वो एक बार ख़राब हो गया था, तो एक महीने बाद ठीक होकर आया था. तो उसे ऐसा लग रहा था कि मज़ा आ जाएगा अगर उसका भी जो जियोग्राफी का टीचर है उसे ठीक करने के लिए एक महीने के लिए ले जाएं. लेकिन उसे नहीं ले जाया गया था उस मैकेनिकल टीचर को, वहीं पर उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर दिया था काउंटी इंस्पेक्टर ने, इसलिए वो निराश थी. क्वेश्चन नंबर 37 इज मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क. मार्गी को अपना होमवर्क लिखना पड़ता था इन रशियन, इन पंच कोड, इन इंग्लिश, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन पंच कोड. एक कंप्यूटर की एक भाषा में ही अपना होमवर्क जो है मार्गी को कंप्यूटर में ही करना पड़ता था, तो वो भाषा थी पंच कोड है ना. क्वेश्चन नंबर 38 आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड. मैकेनिकल टीचर को फिक्सिंग करने के बाद द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, वो बड़ी स्क्रीन जो थी वो डिस्प्ले करती थी क्या क्या. मार्गीज फेस, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड, अ रियल बुक, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड.
कि जो भी लेसन्स पढ़ाए जाते थे वो सारे और उनके क्वेश्चंस जो वो पूछती थी, मैकेनिकल टीचर जो पूछता था, वो सारे बिग स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 39 इज़ द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ। काउंटी इंस्पेक्टर के पास एक पूरा बॉक्स भरा हुआ था टूल्स एंड चॉकलेट्स, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, पिंस, बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। डायल्स थे और वायर्स थी, उन सब टूल्स से भरा हुआ था काउंटी इंस्पेक्टर का पूरा बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाई डिड मागी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर। अब मागी हमेशा से भी ज़्यादा नफरत क्यों करने लग गई थी स्कूल से? बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, बिकॉज शी नेवर गेट्स ऑफ, बिकॉज शी डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जियोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स। क्योंकि जियोग्राफी में उसकी जो स्कोरिंग थी, मार्क्स जो उसको मिलते थे वो बहुत ही कम से कम होते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 41, मागी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल हो गई थी अबाउट हर जियोग्राफी स्कोर्स, बी नोविंग दैट द रियल बुक डिटेल्स अबाउट स्कूल, सी अबाउट टॉमीज स्कोर्स, डी अबाउट फेस्टिवल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नोविंग दैट द रियल बुक डिटेल्स अबाउट स्कूल। कि उसे जब अबाउट स्कूल, मतलब स्कूलों के बारे में एक रियल बुक मिली थी कि कैसे कैसे पुराने समय में स्कूल होते थे, तो लोग कैसे पढ़ते थे, फन करते थे, साथ साथ जाते थे, ये सब जानकर मागी जो है वो स्कॉर्नफुल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज, टॉमी के अकॉर्डिंग रियल बुक थी कैसी थी, बोरिंग, वेस्ट, रॉन्ग या फिक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट। टॉमी ने क्या कहा था कि जो रियल बुक होती है वो तो एक वेस्ट होती है ना, पेजेस की वेस्टेज वगैरह, खूब हमने लेसन में डिस्कस किया है ये। क्वेश्चन नंबर 43 इज द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर। ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न में, पुराने समय के स्कूलों में है ना, जो बच्चे पढ़ने जाते थे वो साथ साथ घर जाते थे, है ना, ए इन बिटवीन क्लासेस, बी ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, सी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, डी एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ द डे। कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तब सारे बच्चे साथ साथ मौज मस्ती करते हुए घर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाइल इंसर्टिंग हर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट मागी वॉज थिंकिंग अबाउट। जब होमवर्क इंसर्ट करती थी मागी एक प्रॉपर स्लॉट के अंदर, तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी किसके बारे में सोच रही थी, डेजर्ट्स, वेकेशन इन टर्की, ओल्ड स्कूल्स, टॉमी, किसके बारे में सोच रही थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक में टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाते हैं, बी गिव्स लेसन्स ऑनलाइन, लेसन्स ऑनलाइन देते हैं, सी टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सनली, डी मेल देम द लेसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टॉट एंड गेव क्वेश्चंस टू पर्सन, है ना, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, उस किड को पढ़ाते थे और क्वेश्चंस खुद करने के लिए देते थे।